जब ठान लो ना किसी चीज को, तो फिर देखो दुनिया में कोई ऐसा बंदा है नहीं कि जो तुमको हिला पाए। यहाँ पर एक ऐसी फीमेल जिनकी एज सुनने के बाद में आप भी कहेंगे है मैम सच में, इनकी एज है 52 ईयर्स और इन्होंने माउंट एल्ब्रोस की चढ़ाई करी है। किसकी? माउंट एल्ब्रोस की। आइए बात करते हैं, इनका नाम है ज्योति रात्रे। सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये एमपी से बिलोंग करती हैं। और एमपी में कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये भोपाल से बिलोंग करती हैं। इनका नाम क्यों आ गया है? बिकॉज शी इज द फर्स्ट वन, ये सबसे पहली ऐसी पर्सन बनी है जो इतनी ज्यादा एजेड है, जिनकी एज 50 साल से भी ज्यादा है और इन्होंने माउंटेन के ऊपर चढ़ाई करी है। गजब ही हो गया ना ये। तो कौन से माउंटेन की चढ़ाई करी है? तो ये हो जाएगा माउंट एल्ब्रोस की चढ़ाई करी है। माउंट एल्ब्रोस कहाँ पर है? रशिया के अंदर है। इसकी अगर हाइट पूछी जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 5642 मीटर्स इसकी हाइट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने इसकी चढ़ाई करी और कहीं नहीं गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ऑल्सो इन केरला, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 24th of March द क्लॉक इज टिकिंग, सही है। नेक्स्ट सुनिएगा, देखो जब इसको थोड़ा डांट वाट दो ना तो ये पढ़ाई करने लगता है और ऐसे बस इसको मस्ती सूझ रही होती है। ओके नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा, एक और माउंटेन है, माउंटेन देव टिब्बा। ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है और इसके ऊपर भी ये चढ़ाई कर चुकी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नाम है ना, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कहाँ पे इनकी लोकेशन है आपसे पेपर के अंदर पूछा जाएगा और कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, सिर्फ इतना आएगा। अब आप मुझे बताना चालू करो पूरे वर्ल्ड में जो कॉन्टिनेंट है उनके हाइएस्ट पीक और उनके क्या का हाइएस्ट और लोएस्ट पॉइंट की बात करें, तो एशिया का हाइएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जिसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे तो नेपाल और चाइना के बीच में आपको मिलेगी। अगर लोवेस्ट पॉइंट यानी कि अगर हम डीपेस्ट पॉइंट की बात करें तो डीपेस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? डेड सी हो जाएगी। डेड सी कहाँ पर है? तो ये इसराइल और जॉर्डन के बीच में आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला सुनो, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का हाइएस्ट पीक क्या हो जाएगा? माउंट एकानकागुआ, जो कि किसका हिस्सा है? एंडीज माउंटेन का हिस्सा है और यहाँ पे काम्या कार्तिकेयन ने चढ़ाई करी थी, जो कि कहाँ से ये बच्ची बिलोंग करती है? मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। इसके अगर हम लोवेस्ट पॉइंट की बात करें तो लेगुना जो है वो यहाँ का लोवेस्ट पॉइंट है, जो कि अर्जेंटीना के अंदर लोकेटेड है। और अर्जेंटीना सुनते ही क्या याद आ जाएगा? क्या याद आएगा? कोपा अमेरिका कप याद आएगा, क्योंकि अर्जेंटीना ने जीता है और मेसी यहीं से बिलोंग करते हैं। नॉर्थ अमेरिका, हाईएस्ट पॉइंट बताओ नॉर्थ अमेरिका का क्या हो जाएगा? नॉर्थ अमेरिका में अगर आप जाओगे तो यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट बनेगा देनाली, और यहाँ का अगर हम डीपेस्ट पॉइंट की बात करें या फिर डेप्थ की बात करते हैं तो डेथ वैली जो है वो यहाँ का डीपेस्ट पॉइंट बनेगा। अगला बताओ अफ्रीका, अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। कहाँ पर है? तंजानिया के अंदर है। लोवेस्ट पॉइंट अगर आपसे पूछा जाता है अफ्रीका के अंदर तो लेक असल, कौन सी लेक है? लेक असल यहाँ पर रहेगी। रॉकी माउंटेन बेटा कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। दैट इज नॉट द हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक की बात हो रही है, वो माउंटेन रेंज है, दोनों शब्दों में फर्क है। अगला यूरोप, हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट, यूरोप में आओगे तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा? एल्ब्रोस हो जाएगा। लोवेस्ट अगर पूछा जाएगा तो कैस्पियन सी यानी कि कैस्पियन सागर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के अंदर अभी हाल ही में एक पौधे की प्रजाति पाई गई थी जिसका नाम भारती के नाम पे रखा गया था, वो लाफ्टर वाली भारती की बात नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाईएस्ट पीक की अगर हम इसमें बात करेंगे तो विंसेफ मैसिव हो जाएगा, और अगर हम डीपेस्ट या फिर लोवेस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो डीप लेक है यहाँ पे, जो यहाँ का डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है। समझ गए? अच्छा सारे पॉइंट बताए, अरे ऑस्ट्रेलिया तो बता दो रह गया। हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? माउंट कॉसिस्को, और लोवेस्ट पॉइंट अगर पूछा जाएगा तो लेक आयर जो है वो यहाँ का क्या हो जाएगा? लोवेस्ट पॉइंट हो जाएगा। नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इकोनॉमिक्स फ्रॉम द बेसिक स्टार्ट होने जा रही है, तो अगर किसी को इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो एक महीने के लिए मैथ ज्वाइन कर लो। अगर किसी को पूरा जीएस मैथ इंग्लिश और रीजनिंग पढ़नी है तो आप अपने हिसाब से 1 ईयर के लिए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आज से नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, यूपीएससी में भी स्टार्ट होगा और एसएससी में भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इस बैच को ज्वाइन करोगे जहाँ पे आपको सारे टॉप एजुकेटर्स के क्लासेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको ये बता दें कि 10% डिस्काउंट भी मिलता है व्हेन यू यूज कोड क्रेती 10। ठीक है, लिंक गाय वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन इज रनिंग फास्ट, क्या चाहते हो? समय को रोक सकते हो? कोई नहीं कर सकता यार। यार देखो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सोच रहे हैं स्प्यूटनिक आ ही जाए, क्या कहते हो? स्प्यूटनिक वाली कितने बताओ एक बारी से। तो फिलहाल ये मैंने आपको बता दिया पेड बैच के बारे में, तो इसको टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपका कोई भी क्लास जो है वो मिस ना हो। और ये ध्यान रखिएगा
कि आपका जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट आपका हर संडे को होता है, हर संडे को एक टेस्ट 11 बजे एक टेस्ट 12 बजे होता है, तो आपको दोनों क्या करने, दोनों आपको याद रखने, ठीक है। चलो अच्छा, तो ये तो हो गई आज की कहानी, अब आपसे मुलाकात करते हैं 10:30 बजे, टिल देन।